Hi guys, this is Sonal Verma from Psychic Astro telling you about your fortnight in February, that is the second half of February. You know, I need to tell you something else. मैंने एक कल बहुत अच्छी कहानी सुनी, really sweet. और पता है कैसी कहानी? उसमें सुना था कि there is this guy who asks another guy, छोटा बच्चा देखता है सामने, कहता है बेटा आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, आप क्या हो? तो जानते हैं बच्चा क्या कहता है? He says, मैं भूखा हूँ. Now that is humanity, guys. That is really humanity. And I think this is common हम सब में, isn't it? पर चलिए हम आप इन सब की बातें बाद में करेंगे. पहले चलते हैं आपकी राशि एरीज की तरफ. एरीज, I must say a very good thing about this is that you're going to really take care of at least some part of humanity. इंसानियत का थोड़ा सा हिस्सा, एक दो इंसान, पांच छह इंसान जो आपके क्लोज लोग हैं, उनके लिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुर्बानी देंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं से कुछ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर में आ जाएंगे, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग. ओनली थिंग विच आई एम गोइंग टू रियली वॉर्न यू अबाउट इज कि इफ़ यू बिकम टू स्टबन, यानी स्टबन, यू सी स्टबन मीन्स जिद्दी, किसी जिद को पकड़ लेना, अपनी आन पे आ जाना कि नहीं हम तो करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पॉसिबल है कि ऐसा करेंगे, और उसकी वजह से आपको ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ के जाना पड़े बीच में से, क्योंकि लोग आपकी ज़िद पे अड़ जाएंगे, अपनी ज़िद पे भी अड़ सकते हैं लोग, और आप अपनी ज़िद पे अड़ गए तो दे विल प्रॉबली वॉक आउट, और यू विल प्रॉबली वॉक आउट. इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जो कुछ भी आप करें आप जो है उसे रीजनेबल तरीके से करिए, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझकर करिए. वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आई वुड से बेनिफिट्स देगी, इन विच यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. और कुछ नहीं तो कम से कम जब आप अपनी बात बता रहे हो कि आप इस जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, तो आप कम से कम बता तो सकते हैं इस बात को कि भाई आप क्यों अड़े हुए हैं, अपने रीजन समझाइए. दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू एंड फॉर अदर पीपल. जो आपके रीजन समझना चाहेंगे वो समझ ही जाएंगे. जहाँ तक आपकी हेल्थ शेल्थ का सवाल है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. एरीज बाय नेचर आर प्रीटी गुड गाइज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक. सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. आपके लिए हम बता देते हैं, द बेस्ट नंबर फॉर यू इज गोइंग टू बी नंबर 12. अब 12 को आप कैसे यूज करते हैं, रियली हैव नो आइडिया. लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा कलर इज गोइंग टू बी बनाना येलो. आई थिंक दैट्स अ लवली लवली कलर एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट. यू नो, येलो इज ऑल्सो द कलर ऑफ हैप्पीनेस ऑन द वन हैंड, एंड एट अ सर्टन लेवल येलो इज ऑल्सो द कलर ऑफ रिनंसिएशन, यानी कि हम बात करें संन्यास की. नॉट दैट आई एम सेइंग आप संन्यास लो. चलिए चलिए जल्दी जल्दी से हम टॉरस पे चलते हैं. वी विल नॉट टॉक अबाउट संन्यास एट ऑल, क्योंकि टॉरियंस आर फॉन्ड ऑफ लिविंग, दे लव द गुड लाइफ. एंड वही चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आपके लिए इन दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट द लाइफ इज यू आर गोइंग टू लिव इज वेरी 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 गुड. यानी एक तो यू गोइंग टू बी फॉर वंस यू गोइंग टू बी फीलिंग रियली शार्प, रियली इंटेलिजेंट. यू विल थिंक ऑफ सोल्यूशंस लाइक दिस. And when you think of solutions like this, then you also act like that. तो इसलिए आपके फटाफट problems जो है वो solve होंगी. साथ ही साथ let me tell you that you are going to be full of resources. Resources किस तरह के? You know, you'll be able to use your brains, you'll be able to use your money, you'll be able to use your abilities, you'll be able to use your sympathies, your emotions. मतलब all parts of you are going to be very much in play in this fortnight. अब positive आपको होना पड़ेगा कि आप इन सब एनर्जीज को पॉजिटिव तरीके से आप फेस करें, तो यही आपके लिए अच्छा है. अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं, सो लॉन्ग एज आपके अंदर इस बात की चीज़ हो कि आपने अपने तरीके से पॉजिटिव एनर्जी देते हुए लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू तक लाना है. वन थिंग आई नीड यू टू बी केयरफुल अबाउट, यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ अ पर्सन हुज पर्सन आई शुड से मैन स्ट्रेट अवे सम मेल पर्सन हु इज गोइंग टू बी अबव द एज ऑफ 45. अब वो 45 से 90 तक किसी भी एज का हो सकता है, बट सम पर्सन लाइक दैट, केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कि वैसे तो ये आपके फेवर में है, बट वॉट एवर ही डज ही इज गोइंग टू डू इट ओनली इफ ही इज कन्विंस्ड ऑफ योर कमिटमेंट. सो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, कोई फेवर करवाना चाहते हैं, तो भाई पहले अपनी सिंसियरिटी आपको दिखानी पड़ेगी. टॉरियंस आपके लिए सबसे अच्छा नंबर रहेगा, नंबर 1, एंड सबसे अच्छा कलर है इस समय पर आपके लिए पॉमग्रेनेट रेड, यानी हम बात करें अनारी रंग की. वैसे अनार भी एक अलग ही फ्रूट है यार, समझ नहीं आता, कहते ना एक अनार 100 बीमार. दैट्स कुछ इसी तरह की आपकी भी एटीट्यूड होने वाली है. और जानते हैं मैं किसको कह रही हूँ ये बात? ये मैं कह रही हूँ जेमिनियंस से, क्योंकि नेक्स्ट राशि आप ही की है, एंड आपको काफ़ी ब्रिलियंट पत्ते मिले, आपको चारों कार्ड्स मेजर कहना के मिले, विच मीन्स कि दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर यू. क्रूशियल, क्रूशियल मतलब आप
बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपकी आगे की लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे, दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. एंड दैट एनी जेमिनियन के लिए इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके अराउंड चीज़ें हो रही हो, बिकॉज यू लाइक मूवमेंट अराउंड यू, यू हेट टू बी स्टिल. आई मीन आई शुड नो, आई एम अ जेमिनियन, मेरे को पता है ये बात, इजन इट? आपको भी आई बेट ऐसा ही फील होता होगा. आपके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ इस फोर्टनाइट में रहेगी वो ये कि जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपके चाहे पेरेंटल सीनियर्स हों, चाहे वो आपके इन लॉज में सीनियर हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, फैक्ट इज दैट दे ऑल गोइंग टू बी इन योर फेवर. आपको ऑफिशियली एक जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग भरा हाथ आपके सर पे रहेगा. दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सेकंड थिंग, आप अपने अंदर से यू गोइंग टू बी फीलिंग डायनामिक. आई मीन दिस क्रैकलिंग जेमिनियन एनर्जी इज गोइंग टू बी फूटोइंग फ्रॉम इनसाइड यू, फूटोइंग एंड फ्लोइंग, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड फॉर यू. आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो आप याद रखिएगा वो ये कि द लक इज़ विद यू. देखिए हर वक्त लक फॉर्चून साथ नहीं होता है, लेकिन दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट आई कैन प्रॉमिस यू दैट योर लक is going to be with you. So take whatever risks you want, you're going to succeed in any way. But देखिए हर चीज़ इज़ नॉट रोजी ना, देर इज़ ऑल्सो सम बिट ऑफ अ ब्लैक क्लाउड समवेयर और दी अदर. तो ये ब्लैक क्लाउड थोड़ा सा आपका आ रहा है, जानते किस चीज़ का? थोड़े से डिप्रेशन का, और वो भी किस लिए? फॉर नो रीज़न. मतलब आप किसी तरह की इल्यूजन में पड़ रहे हैं. लेट मी जस्ट टेल यू योर नंबर एंड योर लकी कलर. सबसे अच्छा नंबर फॉर यू इज़ नंबर 10 एंड योर लकी कलर इज़ सैफ्रन कलर. मीनवाइल लेट मी जस्ट गेट बैक टू योर डिसइल्यूजनमेंट वाला सीन है कि आप जो है किसी चीज़ के धोखे में आ रहे हैं. मतलब आप रिफ्लेक्शन को, परछाई को रियलिटी समझ रहे हैं, और इस बात को लेकर आप थोड़े से डिप्रेस हो सकते हैं. इस बात के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, दैट यू शुड नॉट गेट फूल्ड विद दिस. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैंसेरियंस पे. एंड कैंसेरियंस आई मस्ट से कि लेडीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा फोर्टनाइट है आपके लिए. पर्टिकुलरली इफ यू आर अ लेडी हु इज़ अ वर्किंग वूमन हु इज़ अबव द एज ऑफ 30-35, कैन बी एनी एज ऑफ कोर्स, बट हु इज़ अ वर्किंग वूमन एज वेल एज अ वेरी वेरी डायनामिक आउट गोइंग वार्म नेचर्ड सोशल काइंड ऑफ अ पर्सन. आप सोशली एक्टिव रहेंगे, एंड बिलीव मी सोशली एक्टिव का मतलब आजकल होता है सोशल नेटवर्क पे एक्टिव. तो आई थिंक आप सोशल नेटवर्क पे बहुत एक्टिव रहेंगे अगर आप इस राशि को बिलोंग करते हैं तो. एंड दूसरी चीज़ ये कि सम पर्टिकुलर डिसीजन आई थिंक यू नीड टू मेक अबाउट योर हाउस होल्ड मैटर्स. आई टॉक टू ऑल कंसर्न्स कि कोई ना कोई थिंग इज यू नीड टू बी डिसाइडिंग अबाउट समथिंग. प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? राइट, यू डोंट हैव टू टेक एवरी ऑप्शन विच इज़ कमिंग योर वे. यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आपने क्या करना है, आपको सबसे अच्छी चीज़ सूट क्या करती है, और उसके हिसाब से देन यू हैव टू टेक योर ऑप्शन एंड डिसाइड दैट दिस इज़ वॉट आई चूज टू डू, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू कन्विंस पीपल टू डू. एंड अनदर थिंग, इफ यू स्टार्ट फीलिंग लो डाउन इन बिटवीन और अनइंटरेस्टेड इन बिटवीन, और यू नो सॉर्ट ऑफ ओके यार हो जाएगा, कर लेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स, तो आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा दोस्त. कैंसेरियंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी बैड थिंग इफ यू डू इट दिस वे. योर बेस्ट नंबर इज गोइंग टू बी नंबर 13, एंड सबसे अच्छा कलर आपके लिए रहेगा ब्रिलियंट ऑरेंज कलर. वन मोर थिंग आई टेल यू समथिंग, यू नीड टू बी ऑल्सो केयरफुल ऑफ द फैक्ट कि लोग आपकी गुड नेचर का फ़ायदा ना उठाएं, पर्टिकुलरली आपके फ्रेंड्स. यू नो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज आप कई बार इम्पोज करने देते हैं अपने ऊपर लोगों को, इम्पोज अपॉन यू, एंड आप जो है मतलब सब कुछ सुनते रहते हैं, सबकी करते रहते हैं, जिसे कहते हैं सबकी बजाते रहते हैं. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. Meanwhile, let me tell you, we have come down to Leo, and I must say, Leo, you've got another very, very good cards, lovely cards you have. Why? Because you've got the card of the adventurer as well as the card of sun, and sun is the card of success in tarot. So I can tell you this, that success is going to be yours in this fortnight. All you need to do is be yourself. You don't have to be anybody else. You don't have to do any extra things. You don't have to, you know, suddenly discover new abilities in yourself. कि आप नए टैलेंट निकाल के लाए तभी आप सक्सेसफुल होंगे, ये सब कुछ नहीं होगा. आप बड़े आराम से जो करना चाहते हैं वो करेंगे, और सिर्फ आपके खुद की पर्सनैलिटी, आपके खुद का ऑलरेडी जो आपके अंदर इननेट टैलेंट है, that is what is going to take you on from there, and it's going to take you to a level of success jiske liye aap abhi tak dream hi kar rahe the. I wouldn't be surprised agar aap something bilkul hi naye venture pe shuru ho jaye, bilkul something absolutely new which you haven't done before, or you've been thinking about it bahut din se, you know, hesitating, karu nahi karu, par yahan pe mujhe lagta hai ki it is possible ki aap ye kar payenge, aapko koi na koi bahut nayi cheez milegi karne ke liye. Now I need to also tell you something else, but first let's go with the numbers. Your number is going to be best number is going to be number 19, and of course sabse acha color is sunny yellow.
बट मीनवाइल लेट मी टेल यू दिस कि आपको केयरफुल किस चीज़ से होना है दोस्त, आपको केयरफुल जानते हैं किस चीज़ से होना है, आपकी ईगो के हर्ट होने से. दैट इज़ वॉट इज ट्रबलिंग मी, बिकॉज मोस्ट लियोज ओनली हर्ट इन देयर ईगोज, उनको और कहीं दर्द नहीं होता. खाली उनकी प्राइड को कोई अगर हर्ट कर दे तो वो उनको दिक्कत हो जाती है. जानते हैं लायंस की फैमिली को भी प्राइड ही कहा जाता है, प्राइड ऑफ लायंस, दैट्स व्हाट द कलेक्टिव नाउन इज. तो इसलिए आपकी प्राइड यानी आपकी फैमिली को कोई हर्ट करे या फिर आपकी प्राइड यानी कोई आपकी ईगो को हर्ट करे, दोनों तरीके से ही आप झेल नहीं पाते. एंड आई थिंक दैट कुड बी अ प्रॉब्लम विद यू इन दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट. सो प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल. एंड आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़. नाउ गुड न्यूज़ से आई डोंट मीन कि आपकी लॉटरी लग गई एंड सडनली आपके पास आके लोग फूल वालाएं चढ़ाने लगे. More like, you know, somebody just might propose to you, somebody just might make an offer to you of some kind of romance or something. आके फरवरी मंथ तो भैया सोच लीजिए romance का ही है, भले ही वैलेंटाइंस डे पास्ट हो गया हो लेकिन romance का मंथ है. कुछ ना कुछ आपको निश्चित रूप से आई थिंक आई विल गेट डेफिनेटली. एंड नाउ वेयर आर वी, वी आर ऑन वर्गो. ओ वी ऑलरेडी रीच्ड वर्गो. मैं तो बोलती चली आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोल रही हूँ आपको. वर्गो तक पहुँच गई मैं, बताइए. एनी केस, वर्गो आई मस्ट से you have to be careful about your money in this fortnight. Now ask me why. Pucho why. Okay, I'll pretend aapne puch liya why. I'll tell you why. Simple reason ki if you are a guy who's an established businessman, you are going to have a problem because there are other people जो वही चीज़ करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, जो आप ही के tactics इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ही के against. बट उन्हें आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता है. जो आप बहुत अच्छी तरह से परिचय दे देंगे इस बात का, यू विल शो देम व्हाट यू आर मेड ऑफ मैन, यू आर गोइंग टू शो देम. एंड या बाय द वे दिस इज गोइंग टू हैपन. व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट सम यंगर पर्सन आइदर इन योर फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके दफ्तर के सर्कल में, वेयर एवर, यू जस्ट थिंक को यंगर पर्सन, प्रॉबेबली अ लेडी बिटवीन लेट्स से बिटवीन 18 एंड 35 आई शुड से, ये लेडी कोई किसी बात को लेकर आपसे काफ़ी जेलस हो सकती है. एंड दैट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू नो यू डोंट अंडरस्टैंड दीज इमोशंस. यू आर अ प्रीटी नीट पर्सन इमोशनली एंड यू रियली हेट दिस काइंड ऑफ कीचड़ एंड दलदल ऑफ इमोशंस जो दिस लेडी इज गोइंग टू ट्राई टू गेट यू इनटू. मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉबेबली उस ग्रुप को ही छोड़ देंगे, उस क्राउड को ही छोड़ देंगे जिसमें दिस काइंड ऑफ अ पर्सन एग्जिस्ट और हू मेक्स लाइफ मिजरेबल फॉर यू. बेस्ट नंबर फॉर यू इज गोइंग टू बी नंबर 6. बेस्ट कलर फॉर यू इज गोइंग टू बी लाइलैक कलर. एंड द वन ग्रेट एंड अ गुड थिंग विच आई कैन टेल यू अबाउट दिस फोर्टनाइट वर्गोज इज दैट अल्टीमेटली यू गॉट द कार्ड ऑफ विनिंग विच इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स. एंड द कार्ड ऑफ विनिंग मीन्स कि आपका पब्लिक एक्लेम होगा. पब्लिक एक्लेम एज इन कि कोई बात आपकी प्रूव हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी अ प्रूवन फैक्ट एंड पीपल विल सी कि यस यू वर राइट ऑल अलोंग. Okay guys, so we are already on Libra and Libra is probably my favorite sun sign. Reason being ki you are Venus children. Venus is Shukra in Hindi actually. Aisa kitna ajeeb lagta na ki Shukra, Venus. Venus to lady hai, Shukra is a guy, which is very strange. But in any case, doesn't matter. So long as dono love and luxury ke gods hain, hame isse kya matlab ki hum lady ke bacche hain ki hum aadmi ke bacche hain. In any case, main aapko bata deti hoon ki for Librans, this is going to be a good fortnight because you've got the card of traveling and chances are that koi na koi cheez aap aisi set up karne wale hain. Probably to do with your career. You might get sent abroad. You might, join somebody about some kind of a venture. You might get some kind of a job offer from abroad. Ya aap ho sakta hai aise hi ghumne chale jaye kahin. Kuch na kuch international overseas wala business aapke saath hone wala hai in this fortnight. And I'll tell you something else. Aapki jo, your air sign. You must remember that. You're an air sign. So air sign are really speedy people and this is what is going to stand you in good stead at this time. Speediness, aapki jo tez raftaar se aap chalte hai na, when you want to take a decision, you can take a decision. Ye alag baat hai ki aap bahut din tak dilly dally karte rehte hain, lekin jab le lete hain decision to phadaphat le lete hain. To wo hi main aapse keh rahi hu ki this time it's going to be important that you take a decision fast, whatever the decision may be, but it's going to be important for you to take it quickly. So please use your speediness. By the way, aapka number जो सबसे अच्छा रहेगा दैट्स नंबर 17 एंड सबसे अच्छा रंग आपके लिए रहेगा स्टारी ब्लू. वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, इफ यू स्टार्टेड समथिंग, मतलब आपने मान लीजिए कोई चीज शुरू करी, कोई लेट्स से कि आपने कोई तीर छोड़ा, यू जस्ट फायर एन एरो. अब वो फायर तो कर दिया आपने एरो, पर अभी आपको ये नहीं पता कि वो जाके बुल्स आई पे लगा है कि नहीं. तो लेट मी टेल यू इन अ वेरी इंफॉर्मेटिव वे
कि वो अभी आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लगा था ना कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुलजाए पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आपको पता नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर फोर्टनाइट में। तो एक्सपेक्ट ही मत कीजिएगा कि आपको पता लगने वाला है कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो हाँ में हुए हैं कि ना में हुए हैं, क्या हुआ है। प्रॉबेबली जो भी अच्छी न्यूज़ की आप वेट कर रहे हैं, जो भी अच्छे रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिलेड इन कमिंग, बिकॉज वैसे तो आपको स्टार का कार्ड मिला है विच इज़ अ स्टार ऑफ होप, बट नेवर द लेस इट्स ऑल्सो रिवर्स्ड, सो विच मीन्स कि आपको होप तो रहेगा लेकिन उसको आने में, पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट राशि विच इज स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो यू गॉट टू मेजर अर्कैना कार्ड्स एंड दे आर ब्रिलियंट कार्ड्स, दे आर ऑल कार्ड्स ऑफ मीनिंग। आपको मैं आई एम रियली हैप्पी टू सी बिकॉज स्कॉर्पियोज आई थिंक आर पीपल हु पुट एवरी थिंग वॉट एवर दे आर इन टू डूइंग वॉट एवर दे कैन, यू नो वॉट एवर यू जो करते हैं आप, आई यू डू इट विद योर हार्ट मैन, पूरे पैशन के साथ, पूरी डेप्थ ऑफ इमोशन के साथ। दो ओनली अदर राशीज विच कैन मैच यूज आई द केप्रिकॉन और लियोज इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड पैशन, लेट मी टेल यू दैट। इन इन केस इफ यूर लेट से इंडिपेंडेंट माइंडेड लॉजिकल काइंड ऑफ अ मैन मेल जो कि अराउंड 40 से ऊपर का है, तो आई वुड से कि आप जो हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो इस टाइप का कोई आदमी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समबडी जो आपको ना काफ़ी गाइडेंस दे सके, अपनी इंटेलिजेंस से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके। एंड साथ ही साथ बिकॉज यू गॉट द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो, आई विल से कि पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। सम काम, कोई ऐसा काम है आपका जो निश्चित रूप से पूरा होके ही रहेगा, मतलब यू बीन गोइंग ऑन अबाउट दिस थिंग, काफ़ी दिन से आप एफर्ट करे चले जा रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर यू दिस इज द फोर्टनाइट व्हेन दैट एफर्ट ब्रिंग्स यू इट्स फ्रूट्स, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, तो यू कैन बी रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड साथ ही साथ आई यू नो पर्सनली कंसिडर कि देवी जो है, देवी एज एन माई गॉडेस, उनको मैं हाई प्रीस्टेस के कार्ड पे मानती हूँ, तो आई टेल यू दिस कि वो भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर अपना ब्लेसिंग का हाथ रखेंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट। सबसे अच्छा नंबर फॉर यू इज़ गोइंग टू बी नंबर 21 एंड सबसे अच्छा कलर फॉर यू इज़ गोइंग टू बी डीप पर्पल। एंड द अदर थिंग विच आई नीड टू टेल यू इज दैट दिस गोइंग टू बी मेजर कॉम्पिटिशन अबाउट समथिंग और द अदर, यू गोइंग टू बी इन कॉम्पिटिशन विद सेवरल पीपल, हो सकता है पीपल आर राइवल्स, यू नो मे बी यू ऑल अप्लाइंग फॉर अ सिंगल जॉब एंड बट good for you is that you're going to win the competition, so you don't have to worry about rivals at all. Next, हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट राशि पे, एंड दैट नेक्स्ट राशि इज अ सैजिटेरियन राशि। एंड सैजिटेरियन राशि आपका मिक्स्ड सा फोर्टनाइट दिखाई दे रहा है मुझे। मिक्स्ड सा फोर्टनाइट क्यों? बिकॉज ऑन द वन हैंड व्हाट आई सी इज दैट इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, यू आर गोइंग टू बी प्रीटी गुड, गुड एज इन यू विल गेट गुड रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। नाउ डोंट थिंक ऑफ इट एज पैसे की बात नहीं करी मैं, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी भी रिलेशनशिप में अपना बहुत टाइम लगाया है, आपने मेहनत करी है, आप लोगों को अपने करीब लाना चाहते थे, तो वो आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी उधर से कि पीपल भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज आपकी वॉर्मथ इतनी है, आपकी गर्मजोशी इतनी है कि पीपल कांट हेल्प रिस्पॉन्डिंग टू यू, और उसी तरह की चीज़ आपके साथ होगी, यू विल गेट बैक लव इन रिटर्न ऑफ लव, अफेक्शन इन रिटर्न ऑफ अफेक्शन, हैप्पीनेस इन रिटर्न ऑफ हैप्पीनेस विच यू गिव टू अदर्स, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड फोर्टनाइट फॉर यू। हाउएवर एज आई सेड मिक्स्ड है, सो आउट ऑफ ऑल दिस ग्रेट अफेक्शन लव एंड एवरीथिंग एल्स, चांसेस आर वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप, पॉसिबली रोमांटिक वन, जस्ट माइट ब्रेक। Now that can happen, अगर वो हो सकती है तो मैं कह नहीं सकती ऐसा क्यों होगा, पर इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, टू ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड आया है, सो चांसेस आर दैट दिस रिलेशनशिप जस्ट माइट ब्रेक बिकॉज ऑफ फन और द अदर रीजन। अब आपके लिए अगर हम सबसे अच्छा नंबर बताते हैं तो आपको बताएंगे हम नंबर 12, सबसे अच्छा कलर हम आपको बताते हैं तो आपको बताते हैं हम मरून रेड कलर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग आई नीड यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यू नो दिस रिलेशनशिप विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो हो सकता है आपकी टूट जाए, आई टेल यू समथिंग, वो टूटेगी पता क्यों? क्योंकि आपने ना कुछ उसके बारे में इल्यूजन्स पाले हुए थे, यू हैड सम फॉल्स आइडियाज़ इन योर माइंड, यू हैड सम यू नो इमेजेस इन योर माइंड विच वर नॉट रियली देयर, एंड जब वो इमेजेस टूटेंगी ऑब्वियसली जो चीज़ फॉल्स इमेजेस पे बेस्ड हो दोस्त, तो फिर वो फॉल्स ही हो जाती है ना, सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग दैट यू प्रॉब्ली यू नो डिस्कवर सम रियल ट्रूथ्स बिहाइंड वॉट एवर यू हैड थॉट वॉज द ट्रूथ, एंड वॉट्स गोइंग टू हैपन इज दैट द रिलेशनशिप विल नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन एंड यू आर गोइंग टू not really go with it. Let's go to the next Rashi, and that next Rashi is Capricorn Rashi. Capricorns, let me tell you something about yourself, which is in this particular fortnight, which is ki you're going to be divided into two. ये मत समझिए कि मैं एक आरी लेके आपको काटने वाली हूँ, प्लीज़ नॉट दैट, कि आप ऐसा समझ रहे होंगे, आई एम श्योर यू आर क्वाइट
क्वाइट अकलमंद इनफ टू डू दैट. कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, आई बीन यू नो टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, इट्स ड्राई वर्क मैन. ओके अब हम बात करते हैं आपके कैप्रिकॉर्न्स की. एंड आई सेड यू आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू. कैसे? आप एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत खुश होने वाले हैं. वाई? बिकॉज यू विल यूज़ योर ब्रेन्स, चलाकी यूज़ करेंगे, आप अपनी कनिंगनेस यूज़ करेंगे, चतुराई यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, अपनी शार्प एबिलिटी यूज़ करेंगे टू बी एबल टू अचीव समथिंग. सेकेंडली अनदर जेंटलमैन, या तो अगर आप इफ़ यू आर समबडी हु इज़ अ प्रोफेशनल मैन एंड हु इज़ अबव द एज ऑफ 40, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर टाइम फॉर यू. एंड इवन इफ यू आर नॉट इन सम पर्सन लाइक दिस, इस तरह का कोई आदमी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट कि कोई बंदा आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स देने वाला है. एंड बट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. अब सेकेंड पार्ट कहाँ आ जाता है? देर आर चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, यू नो फ्रेंड. किस तरह के चेंजेस? दे कुड बी इन योर एनवायरनमेंट. माहौल बदल रहा है, घर का माहौल बदल रहा है, आसपास का माहौल बदल रहा है, और आप कोप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू नो बींग ऑफ अर्थ नेचर, कैप्रिकॉर्न्स आर अर्थ साइंस. आप जो है बहुत जल्दी, यू डोंट लाइक स्टेबिलिटी, इनस्टेबल हो जाए वो आपको पसंद नहीं आती. तो ये चीज़ जो आपके आसपास हो रही है ना, दैट इज़ गोइंग टू ट्रबल यू. और आप क्योंकि इसे कोप नहीं कर पाएंगे, इट्स गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ बिग अनहैप्पीनेस टू यू. देखिए मैं ऑलमोस्ट आपके नंबर्स बताना भूल गई थी, पर एनीवे आपके सबसे अच्छा नंबर इज नंबर 7. एंड सबसे अच्छा कलर फॉर यू इज गोइंग टू बी मॉस ग्रीन कलर, यानी काई वाला नहीं होता जो हरे रंग, दैट इज़ फॉर यू. अब हम एज यूजुअल नेक्स्ट राशि पे आ जाते हैं. नेक्स्ट राशि फॉर अस इज Aquarius Rashi, and we need to tell you something about you, which is that you can look forward to meeting somebody who's been around for a long time but you have missed this person for some time. Kaise? Ho sakta hai koi aapki childhood sweetheart ho gayi and suddenly they appear at this point in time and they give you a pleasant surprise. You could meet your, you know, very old bachpan ka friends, kya kehte the, langutiya yaar, you can meet them. And initially you might have reservations, you know, aapko lagega pata nahi बंदा बदल तो नहीं गया या ये लड़की बदल तो नहीं गई, जैसे पहले थे वैसे तो नहीं हो सकते. बट वेरी सून आई रियलाइज दैट यू आर गोइंग टू मेक अ जजमेंट एंड डिसाइड कि नो, द ओल्ड रिलेशनशिप इज स्टिल कायम. वो जो आपकी एक दूसरे के साथ ईज ऑफ कम्युनिकेशन थी, एक दूसरे के साथ एक मासूमियत जो आपने इन्जॉय करी होगी किसी टाइम पे, दैट वहीं की वहीं बरकरार है. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग टू रियली रियली मेक यू, यू नो, फील फुलफिल्ड इन अ वे. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन टू बी इन. बाय नॉट सबके साथ होता तो अच्छा होता, तो आपकी जो रिजर्वेशन वाली जो आपकी पॉलिसी है, थोड़ा सा जल्दी एकदम से आप खुलते नहीं हैं, चाहे पुराने लोग मिले चाहे नए लोग मिले, वो आपकी यहाँ पे काम नहीं आने वाली. यू आर गोइंग टू टेक अ जजमेंट कॉल ऑन दिस कि नो, आई थिंक दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, और मैं जो हूँ इस बंदे के साथ या इस बंदे के साथ, आई एम गोइंग टू बी एज फ्रेंडली एज एवर बिकॉज आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. दैट जजमेंट कॉल ऑफ योर्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट जजमेंट दैट यू टेक इन दिस फोर्टनाइट. सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 20. एंड सबसे अच्छा कलर है आपके लिए ऑरेंज. ऑरेंज मेरा मतलब है संतरे वाला ऑरेंज आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है. अब हम आ जाते हैं भाई अपनी लास्ट राशि पे. एंड लास्ट राशि, व्हाट डू वी डू विद यू लास्ट राशि? आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद योर कार्ड्स, आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे आपके कार्ड्स. व्हाई? कारण बीइंग दैट यू नो यू योरसेल्फ आर नॉट वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ. आई डोंट नो व्हाट यू डन. हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि आप ना अब रिग्रेट करें कि हाय राम हमने ये क्यों कर दिया, हाय राम हमें ये करना नहीं चाहिए था. अब हाय राम ना भी बोलो, हाय हरे कृष्ण भी बोल लो, तो भी बात इसकी रिग्रेट तो हो ही रहा है आपका. रिग्रेट जो होगा तो उसको आप कैसे संभालेंगे? बिकॉज व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट समबडी इज गोइंग टू बी वेरी हर्ट, एंड दैट समबडी इज नॉट ओनली गोइंग टू बी यू बट ऑल्सो समबडी हुम यू हर्ट. हो सकता है कि पीपल आपको कहीं पर एक्चुअली धोखेबाज मानने लगे, या आपने उनको कुछ चीज़ बता के या ना बता के उनके साथ धोखा किया है, आपने कोई और इंप्रेशन दिया था, आपने करा कुछ और है, आपके ऊपर एक्यूजेशंस लग सकती हैं, यू नो, कि आपने फला को, आपने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया, ऑल दैट. दैट्स एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, इतना एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए. बट नेवरदलेस मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी इस बात की प्रॉब्लम आ सकती है, रेप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कि लोग आपको बिना कारण भी एक्यूज़ कर सकते हैं किसी ना किसी, यू नो, किसी ऐसे डीड के लिए, सम ब्लैक डीड विच यू हैवन डन. यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर समथिंग. किसी चीज़ में बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू वो मेहनत जो है कामयाब नहीं होने वाली है. बिकॉज आप कब से सोच रहे थे कि यू स्टार्ट गैदरिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर, यू लर्न न्यू स्किल्स फॉर दैट, पर एक तो आप उसे ठीक तरीके से लर्न नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच हैपेंड इन बिटवीन, विच आई सेड ना, ये धोखाबाजी वाली जो चक्कर हुआ होगा, कभी हमने किसी को फांसा, कभी तुमने हमको फांसा वाला सीन. बट कहीं ना कहीं आपका पैसे का लॉस होगा, मेहनत का लॉस होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल रिग्रेटफुल, आई एम श्योर फॉर यू, लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर यू. सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहने वाला है, आई वुड से प्रॉबेबली नंबर
प्रॉब्ली क्या 100% बता दूँ मैं आपको, आपका सबसे अच्छा नंबर रहने वाला नंबर 9, एंड सबसे अच्छा आपके लिए जो रंग रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रिक रेड, सो दैट्स गोइंग टू बी गुड कलर. नाउ पाइसिस राशि, आई मस्ट टेल यू समथिंग, यू कैन मेक योर फोर्टनाइट गुड और बैड. आई मीन देयर आर इंडिकेशंस कि हाँ स्ट्रेस फैक्टर्स आ रहे हैं, आएंगे. दिस गोइंग टू बी स्ट्रेस, देयर इज गोइंग टू बी यू नो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, बट द होल पॉइंट हियर इज that this stress and pressure can be taken care of only if you meet it in the right attitude. उसके लिए आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा. जब भी तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ ताकि आप अगले फोर्टनाइट के लिए प्रिपेयर हो जाएं. अच्छा, बाय द वे आपकी राशि खत्म हो गई. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दिस वन थिंग दैट यू नीड टू सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट योर राशि. वी आर गोइंग टू गिव इट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, डोंट वरी, हम भी तो सेट ही हो रहे हैं यार. सो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, देयर इज अ बटन देयर, जस्ट प्रेस इट एंड we'll be there for you whenever you want next. Tab tak ke liye, this is Sonal Verma signing off from Psychic Astro.